डीग में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला सशक्ति केंद्र महिला अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बेटियां और बेटों को छोटी उम्र में ही शादी के बंधनों में बांध देने से उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा सहित अन्य सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए समाज के सभी लोगों का सहयोग मिलना जरूरी है, तभी उन्हें रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान एडीजे कुलदीप शर्मा ने कहा कि सामाजिक बुराइयों के चलते विकास और समाज का उत्थान संभव नहीं है। इस अवसर पर रेखा शर्मा ने महाविद्यालय की सभी छात्राओं को बाल विवाह रोकने के लिए आगे आने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एसीजे परवीन बानो और एडवोकेट प्रवीण चौधरी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान के लिए डीग से नीरज जैन की रिपोर्ट। नाली हर स्कूलों से उगाई थी, कुछ फिर हम जब उसका उत्साह देखा बच्ची का, तो मैंने कहा बेटी है, बेटी का मनोबल बढ़ाना है, तो थोड़ी सी हमने मदद की और 51,000 रुपये सीकर में। आज मेरी जो नगर में कुछ जो पहचान है मेरी बेटी से, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी से पहचान है और मैंने भी संकल्प किया है कि मेरी बेटी चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, शादी में 1 रुपये दहेज का नहीं दूंगा मैं, ये भी मेरे संकल्प। 47 पे आया वो, अभी 2016 में वो आंकड़ा 27% पे आ गया है। यूनिसेफ ये मानता है कि भारत में बाल विवाह का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ इलाकों से बिल्कुल गायब हो गया और कुछ इलाकों में आंकड़े ज़्यादा है। विशेष तौर से झारखंड और राजस्थान में हमारा ये बाल विवाह का जो आंकड़ा है देश का काफ़ी ज़्यादा है।